व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस, मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, क्या आप भी जब स्ट्रिक्ट डाइट करते हो तो आपको भी मतलब हर वक्त क्रेविंग होती रहती है? हर वो चीज जो हमें पसंद है, हर पल हमारे दिमाग में वही चलता है कि हाँ यार, ये चीज भी नहीं खाई, ये भी खाऊंगा, वो तो कितने दिनों से मैं वहां वो पानी पूरी के ठेले पे तो मैं गया ही नहीं। ऐसा क्या आपके साथ भी होता है क्या? वो भिंडी की सब्जी जब हम डाइट पे नहीं होते और मम्मी बनाती है तो हम कहते हैं कि क्या यार मम्मी, कुछ अच्छा तो बनाते। लेकिन आज हमें वो भिंडी की सब्जी भी खानी है, उसकी इच्छा हो रही है। क्या आपके साथ भी ये होता है क्या? प्लीज मुझे बताइए यार, क्योंकि मेरे साथ तो होता है और मेरे साथ हो रहा है। गाइस, आज का जो वीडियो है वो कोई साइंटिफिक वीडियो नहीं है, आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल है। मैं मेरे पर्सनल थॉट कहो या ट्रिक कहो या जो भी कहो, मैं खुद को कैसे मनाता हूँ, समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि मैं कितनी भी क्रेविंग हो, कितने भी विचार आए, लेकिन मैं भटकू नहीं और अपने डाइट पे बना रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और पिछले 2 हफ्ते से मैं क्या खा रहा हूं वो डाइट भी मैंने आप लोगों को बताया है। मैं बहुत ही लो कैलोरी डाइट पे हूं, बहुत ज्यादा लो कैलोरी डाइट पे हूं। पूरा दिन भूखा रहता हूं, भूखे सांड की तरह घूम रहा हूं, हर जगह बस भूख रहती है, दिमाग में खाने के ख्याल रहते हैं। ये नुक्कड़ पे पाए का ठेला है, रोज वहां से जब निकलता हूं तो ऐसे फेस करके निकलता हूं, 24 घंटे मुझे भूख लगी रहती है, लेकिन नहीं खा सकता यार, क्योंकि डाइट में नहीं है तो नहीं खा सकता। तो कभी कभार क्या हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, अपने आप के साथ एक भयंकर लड़ाई हो जाती है कि यार क्या लाइफ जी रहा है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता हूं, और ये इरिटेशन होता है कि यार एक लाइफ मिली है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, खा ले इतने समय कुछ नहीं हो जाएगा, हजार सवालों के हजार जवाब, यही सब चलता रहता है। तो मैं खुद को कैसे मनाता हूं? देखिए, मैं 2-3 चीजें आजमाता हूं खुद पे। आपको याद हो, अगर आपने देखा हो तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन डाइटिंग। तब मैंने उसमें बताया था कि जब मैं इस तरह से बहुत क्रेविंग होती है तो मैं अब खुद से एक सवाल पूछता हूं कि तुझे अच्छा दिखना है या अच्छा खाना है, और तब मेरा जवाब होता है कि मुझे तो अच्छा दिखना है, और मैं ट्रैक पे आ जाता हूं। लेकिन अभी मैं वो लेवल से ऊपर हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं, जिम में हर इंसान तारीफ कर रहा है मेरे फिजिक की, तो वो लेवल से मैं ऊपर उठ गया हूं, अब उससे काम नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं? तो गाइस, 2-3 चीजें, 2-3 हथकंडे मैं अपनाता हूं खुद पे, जिसमें से पहला एक ये है कि मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं कि देख इरफान, तुझे किसने बोला है कि तू ये डाइट कर? मम्मी ने, पापा ने, कोई प्रिंसिपल है, सर है, कौन है, किसी ने बोला है तुझे? मैं कहता हूं नहीं। तो क्यों कर रहा है, किसने बोला है? खुद की मर्जी से कर रहा है ना, तो करना फिर मेरे सामने क्यों बकवास करता है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, करना खा ले भाई, मेरे सामने मत किया कर ये सारी बकवास। तो ये मेरा कन्वर्जेशन मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है आप लोगों को फनी लगे, लेकिन ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, आप भी करते होंगे। मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को, मैं अपने आप पे कभी कभी ऐसे गुस्सा हो जाता हूं कि भाई तुझे किसी ने बोला तो है नहीं, कि कोई कंपलसरी कुछ है तो नहीं स्ट्रिक्टली के करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो दिया नहीं है, सजा तो मिली नहीं है तुझे, तेरी मर्जी से कर रहा है तो फिर करना, वरना छोड़ दे, नहीं होता है तो मैं ट्रैक पे आ जाता हूं। तो खुद पे गुस्सा होने का ये हथकंडा कुछ दिनों तक चल जाता है, फिर 15-20 दिन के बाद फिर यही होता है, लेकिन हर बार ये ट्रिक भी काम नहीं करती। कई बार मैं खुद पे ही गुस्सा हो जाता हूं कि भाई तू चुप रहे, खुद करेगा तो पता चलेगा, तुझे तो सिर्फ बोलना है। तो ऐसे वक्त हम गुस्सा नहीं कर सकते खुद पे, तो तब मैं क्या करता हूं, मैं प्यार से मनाता हूं खुद को, मैं अपने आप को समझाता हूं कि देख इरफान, हमें करना है, ठीक है, तुझे प्रूव करना है अपने आप को, क्या तू इतना नहीं कर सकता? कैसे तू क्लाइंट्स को बोलता है कि सर मत खाओ, ये नहीं खाना है, रात को ये नहीं खाना है, तो तुझे भी तो करना पड़ेगा, तू करेगा तभी तू किसी को बोलने का हक रखता है, समझा? तो
यार तू कर इरफान, तू इतने नजदीक तक पहुंच गया है, अब डीमोटिवेट होगा तो कैसे चलेगा। हमें यार हमारा ड्रीम फिजिक अचीव करना है, हमें हमारा बॉडी बनाना है, कंपटीशन में उतरना है, फोटोशूट करवाने हैं, दिखाना है यार खुद को और दूसरों को कि मैं भी कर सकता हूं, मैं मेरा बेस्ट फिजिक। गाइस मेरा ये साल का मेरा गोल है कि मैं अभी तक का मेरा बेस्ट फिजिक बनाऊंगा। ये शायद मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, तो मैं वो बात अपने आप को बोलता हूँ कि तेरा गोल है यार इस बार तुझे अपना लाइफ का बेस्ट फिजिक बनाना है और तूने बना लिया है, बहुत नजदीक है तू, अब ऐसा मत टूट यार। कुछ दिन और, बस 2 हफ्ते बचे हैं, थोड़ा रुक जा, फिर खाना मैं तुझे बारबेक्यू नेशन लेके जाऊंगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो इस तरीके से प्यार से मैं खुद को मना लेता हूँ। तो गाइस इस तरीके से भी कुछ दिन निकल जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, श्याम दाम दंड भेद। तो गुस्सा गुस्से से मना लिया, प्यार से मना लिया। कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि मैं टूट जाता हूँ, ना प्यार से समझ रहा हूँ ना गुस्से से समझ रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे भेद आजमाना पड़ता है। अब हो सकता है कि ये शायद आप लोगों को गलत लगे कि किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन देखिए गाइस हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, जो सच है वो सच है, हमारे अंदर की जो बातें होती है वो होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमारी लाइफ में एक कॉम्पिटिटर होता है जो हमारे आसपास ही रहता है, भले हम कितना भी उसके साथ अच्छा रह ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात चलती है कि मुझे इससे आगे निकलना है, इसको हराना है। तो मैं उस इंसान का नाम लेता हूँ कि देख ले उसे, बस यहीं पे खत्म हो गया, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, उसको हराना, इस बार तो उससे आगे निकल के रहूंगा, क्यों बस थक गया। फिर मैं जाके उसकी प्रोफाइल देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, और फिर और गुस्सा करता हूँ अपने आप पे कि देख वो भी कर रहा है, तू कोई एहसान नहीं कर रहा है, आगे निकलना है, वो मेहनत कर रहा है, उसकी चालू है, 24 घंटे लगा हुआ है, तू क्यों यहाँ पे यार कमजोर हो रहा है, तुझे भी करना पड़ेगा इरफान, तू कर सकता है यार, बहुत नजदीक है, देख तेरा ये मसल पार्ट उससे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तू ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तू तेरा कमजोरी है, ये मसल पार्ट तेरा वीक है, तो यहाँ पे मेहनत करनी है तुझे, बस अब तू इतने करीब आ के अब तू हिम्मत नहीं हार सकता यार, अपने को इसे हराना है, तुझे इससे आगे निकलना है इस बार, बस इरफान यार अभी यार नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस तू लगा रहे, बहुत सही जा रहा है, तू लगा रहे। तो ये एक तरीका फिर श्याम दाम दंड भेद क्या, हाँ ये होता है, मैं अपने आप को ऐसे मनाता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो खुद को मनाने के लिए गाइस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे अंदर हम कुछ भी सोच सकते हैं और कैसे भी सोचना चाहिए, और खुद को अगर मोटिवेशन मिलता है कुछ सोच के तो करना चाहिए, कंपटीशन किसी से रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उससे नफरत करता हूँ, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि देख वो कितना आगे है, खुद को भी उससे आगे ले जाना है, तेरा सपना है, ड्रीम है, उसको हराना है, तो फिर तू भी मेहनत कर, मतलब इस लेवल की बातें हैं। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करने का रीजन एक ही है कि शायद आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाए, आप लोगों को पता चले कि इट्स नॉर्मल। देखिए आपको क्रेविंग होती है, खाने का मन होता है, सब कुछ होता है यार, ये नॉर्मल है, इसमें अपने आप पे चढ़ बैठने की कोई जरूरत नहीं है कि यार तुझसे नहीं होता है, यार तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे यार जिम, या तेरे से वेट लॉस नहीं होगा, तेरे से बॉडी नहीं बनेगी, सिक्स पैक नहीं बनेंगे, ऐसा सब खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद को कैसे मनाना है वो तरीके ढूंढने हैं। प्यार से मनाओ, नफरत से मनाओ, गुस्से से मनाओ, या किसी कॉम्पिटिटर को सामने रख के मनाओ। तो गाइज इस तरीके से खुद को मना लो, क्योंकि एक बार लाइफ मिली है, हमें किसी ने तो कहा नहीं है कि भाई तू ये कर, कि बहन तू ये कर, हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं, हमें हमारा एक ड्रीम बॉडी अचीव करना है, या बॉडी को छोड़े हमें हमारी लाइफ में ये गोल अचीव करना है, तो हमें करना है, तो फिर करना है यार। तो बस खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए, खुद को मनाना आना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइज, होप आप को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही ज्ञान की बातें हो गई है। ऑलराइट गाइस, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़, बॉम।